हॅलो फ्रेंड्स, नाव तुम्हाला वाटतं एक पॉईंट राहिला होता, कारण तसंच मला वाटतं घेतला आहे मी, कारण याबद्दलची डायग्राम मी शिकवलेली आहे असं मला वाटते आणि दोन्ही बॅच तसे दोन्ही सेम याच्यावर होत्या. सो असो आज यूट्यूब व्हिडिओमध्ये आपण तो टॉपिक घेऊन घेऊ, ठीक आहे. ना ॲक्च्युली दॅट टॉपिक इज इन्क्लूड इन द पॉईंट दॅट इज कमर्शियल ॲप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. सो हमने देखा था कि बायोटेक्नॉलॉजी के एम या फिर जिसके जो बहुत सारे ब्रांचेस थे वो होने के बाद कमर्शियल एप्लीकेशन हमको दिए थे. और कमर्शियल एप्लीकेशन में फर्स्ट ही पॉइंट दैट इज क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आया था आई थिंक हाइब्रिड सीड. एंड हाइब्रिड सीड मतलब द सीड विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू द क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू प्लांट. एंड तो झाल्यावर हा ॲज इट इज टॉपिक झाला होता, परंतु आता काही लोकांचा राहिला आहे म्हणून तो एक रिपीट करतोय. नाउ सेकंड टॉपिक इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ज्याला आपण GM प्लांट सुद्धा म्हणतो. इट ऑल्सो कॉल्ड एज GM क्रॉप और GM प्लांट. सो GM मीन्स मैंने उस दिन भी कहा था कि गुड मॉर्निंग प्लांट नहीं है, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट. ओके, अतः अब तो नाम में इसमें मीनिंग दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब हमने वो पर्टिकुलर जो प्लांट होता है उसके बॉडी में जो वेरियस टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं. नाउ वी ऑल नो वन जीन वन कैरेक्टर, दैट इज सिंगल जीन कंट्रोल द सिंगल कैरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर प्लांट. अब अगर हमको एक पर्टिकुलर डिजायर्ड कैरेक्टर अगर चेंज करना है या फिर हमको वो मॉडिफाई करना है जैसा हमको चाहिए उस तरीके से अगर उसको एडजस्ट करना है, तो हमको वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. एंड दैट इज कॉल्ड एज, वो मॉडिफाई करने के बाद जो नई वेरायटी बनेगी दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरायटी और GM क्रॉप, ऐसा उसको बोला जाता है जनरली. सो हाउ वी गेट द डिफाइन, नाउ सी हियर द क्रॉप्स और प्लांट्स और सिंपली सिंगल प्लांट which is developed with desired character by integrating the foreign gene with their genome. It's called as genetically modified crop. अब पहले हम देखेंगे genome क्या होता है. genome मतलब जैसे मैंने कहा था कि कोई भी living thing हो उसमें DNA रहेगा और DNA के साथ साथ बहुत सारे genes रहेंगे. So total number of genes present in a particular living thing is called as genome. हाँ, बहुत बार जीन रिपीट होते हैं तो रिपीट वाले जीन हमको हटा देना है. अब जैसे समझो मेरे बॉडी में कम से कम 1 लाख के आसपास जीन हैं, लेकिन उसमें से 20,000 जीन रिपीट हो गए, दो बार आए, तीन बार आए, तो मैं वो 20,000 हटा दूंगा. रिपीटेड जो जीन है वो एक ही बार हमको लेना है, और वो भी लेना है उसके हैप्लॉइड सेल का. हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है, इट्स कॉल्ड एज प्लॉइडी. सो टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एनी इंडिविजुअल एनी लिविंग थिंग फ्रॉम हैप्लॉइड सेल, उसका एक हैप्लॉइड सेल लेना है और वो हैप्लॉइड सेल में टोटल नंबर ऑफ जीन्स हमको गिनना है और उसका जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज इट्स जीनोम. तो जीनोम मीन्स दूसरे लैंग्वेज में या फिर यहाँ पे इजी समझने के लिए जीनोम मीन्स द एंटायर जेनेटिक मेकअप विदाउट रिपीटेशन, हमको रिपीट नहीं करना है. अब ये जो हम नया जीन इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट मतलब इंट्रोड्यूस करना, तो जाहिर है वो जो जीन है वो उसके जीनोम का एक पार्ट होगा. इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि भाई दैट जीन इज एक्चुअली इंटीग्रेटेड इन द जीनोम, मतलब एक्चुअली उसके बॉडी में जो पर्टिकुलर जीन का एक कॉम्बिनेशन है, जितने भी जीन है उसमें हम वो ऐड कर रहे हैं. अब वो जीन क्या है, तो वो जीन हमने इस तरीके से डेवलप किया विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजायर्ड कैरेक्टर. नॉट इज डिजायर्ड कैरेक्टर, जैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे आगे दिए हैं, मुझे कोई प्लांट में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिखा जो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, मुझे और उसको इम्प्रूव करना है और उसको मॉडिफाई करना है, तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा उसको मैं निकालूंगा और उसमें जो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन जो DNA के जो नाइट्रोजीनियस बेस सीक्वेंस होते हैं वो चेंज करूंगा, और वो चेंज करने के बाद वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा बनेगा. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए तो किस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के लिए जनरली ये बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन यूज होता है, तो सबसे पहले तो मेन वही रहेगा हाई यील्डिंग वैरायटी. अगर सपोज एक प्लांट है और वो प्लांट का प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिल रहा है, तो अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, और वैसे भी एग्रीकल्चर में मेन एम होता है कि प्रोडक्शन बढ़ाना, हाई यील्डिंग, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, तो सबसे पहला जो एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जीन को मॉडिफाई बनाया जाएगा वो किस लिए, तो भाई वो पर्टिकुलर प्लांट में हाई यील्ड देना चाहिए, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ दैट प्लांट इज जनरली नॉर्मल से जो है उससे ज़्यादा रहेगा, सो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर GM क्रॉप कैन बी डेवलप. सेकंड होता है रेजिस्टेंस टू डिसीज, जैसे आपको पता है कि प्लांट को बहुत सारे वायरल बैक्टीरियल प्रोटोजोअल फंगल ऐसे डिसीज होते हैं,
अगर डिसीज हुआ तो वो पर्टिकुलर प्लांट का प्रोडक्शन डाउन जाएगा। तो अब जैसे हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है वैसे प्लांट की होती है, प्लांट की इम्यून सिस्टम के लिए पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो जीन को निकाला जाएगा और उसको मॉडिफाई किया जाएगा। या फिर सपोज दो प्लांट है, दो वेराइटीज है और एक प्लांट की वेराइटी में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है डिसीज़ के लिए, तो उसके बॉडी में वो जो डिसीज़ को रजिस्ट करने वाला जीन है उसको निकाला जाएगा और ये प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दैट इज द सेकंड एक्चुअली करेक्टर डिसीज रेजिस्टेंस एबिलिटी। ओके वन सेकंड, और जिसके वजह से जो एक्चुअल प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो हमको प्लांट को या फिर उसके बॉडी के जीन को ऐसा हमको मॉडिफाई करना है ताकि अल्कलाइन सॉइल में भी वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा दे सके, एंड दैट इज वन ऑफ द करेक्टर फॉर विच दैट जीएम क्रॉप कैन बी डेवलप। सो अल्कलाइन सॉइल में हाई प्रोडक्शन या अल्कलाइन सॉइल में अच्छे से ग्रो होना। उसके बाद आता है वीट्स। वीट्स आर द अनवांटेड क्रॉप्स दैट ग्रोन अलॉन्ग विद अवर मेन क्रॉप। अगर अपन टर्न वगैरह बनते और वीट्स है तो उसके लिए वीडिसाइड तो होती है, लेकिन जब वीडिसाइड हम स्प्रे करते हैं तो वीट्स को तो मारेगी, लेकिन वीट्स जैसे प्लांट है तो हमारा भी मेन क्रॉप भी वहाँ प्लांट है। तो जाहिर है जब हम वीट्स पे स्प्रे करेंगे या फिर कुछ पॉइजन अटैक उस पर करेगा तो वो सेम अटैक हमारे मेन प्लांट पे होगा और जिसके वजह से हमारा मेन क्रॉप भी अफेक्टेड हो सकता है। इसीलिए फिर वो प्लांट को ही, अब वीट्स क्या करते हैं तो वीट्स हमारे मेन क्रॉप के साथ कॉम्पीट करते फॉर स्पेस, फॉर फूड, फॉर न्यूट्रिएंट, फॉर फर्टिलाइजर, सभी चीज़ों की इसमें, मतलब जो भी हम उसको मेन क्रॉप को सप्लाई कर रहे हैं वो वीट्स यूज़ कर ले रहा है और उसके हिसाब से वो वीट्स को जो मिल रहा है तो हमारे प्लांट को कम मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो बहुत बार किया जाता है इट इज़ कॉल्ड एज, फिर वीट्स के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाएंगे। तो ये प्लांट में ऐसा जीन डाला जाएगा कि अगर उसके सराउंडिंग में अगर वीट्स कोई निकला है तो वो प्लांट वो वीट्स को मार देगा या फिर उसको कॉम्पिटिशन से हटा देगा। ये अपना जो मेन क्रॉप है वही लार्ज अमाउंट में फूड, स्पेस, वाटर या फर्टिलाइजर यूज़ कर लेगा। तो इसके लिए भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए गए हैं। और बाकी रहा फिर अदर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, जैसे बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन है तो वहाँ पे सभी टाइप के प्लांट नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन है तो सभी टाइप के प्लांट नहीं आएंगे। जैसा अगर मैं नेमी एग्जाम्पल देता हूँ कि नासिक में जैसे अंगूर बहुत अच्छा होते हैं और हमारे यहाँ की सॉइल उसके लिए प्रॉपर नहीं है या फिर वो अंगूर वगैरह हमारे यहाँ नहीं होंगे, तो अगर हमने वो अंगूर या जो ग्रेप्स होते हैं उसके प्लांट को अगर मॉडिफाई किया सो वी कैन एक्चुअली कल्टिवेट द ग्रेप्स इन आवर एरिया ऑल्सो। वैसे ही हमारे यहाँ संतरा अच्छा होता है तो संतरा नासिक में हो नहीं पाता, सो वी कैन चेंज द डिजायर्ड कैरेक्टर और जीन सो दैट पर्टिकुलर डिजायर्ड कैरेक्टर कैन बी इंट्रोड्यूस इन दैट प्लांट। तो यही एक चीज़ है कि जो प्लांट में डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक लाने के लिए जो भी जीन का इंटीग्रेशन होगा, फॉरेन जीन मतलब बाहर से जो लिया उसको फॉरेन जीन कहा है, कोई अमेरिका है इधर से लाया इसलिए फॉरेन नहीं कहा। सो दैट इज एक्चुअली द पॉइंट। अब इसमें एग्जाम्पल दिए हमको बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल एंड गोल्डन राइस, तीन एग्जाम्पल दिए है। अब बीटी कॉटन का एग्जाम्पल एक्चुअली क्या है तो बीटी का पहले हम मतलब ले लेंगे। बीटी मतलब एक बैक्टीरिया है कॉल्ड एज बैसिलस थुरिंजेंसिस। यस बैसिलस, ये जो लैक्टोबैसिलस वाला था उसके ग्रुप को ये बिलोंग करेगा और उसको करता है। और दूसरा उसका एक्चुअली पार्ट है बैसिलस थुरिंजेंसिस, पूरा नाम उसका वो दिया है। क्लियर? अब ये जो कॉटन प्लांट होता है वो कॉटन प्लांट को जो मॉडिफाई किया गया वो मॉडिफिकेशन के लिए हमने ये बैक्टीरिया से जीन निकाला और वो प्लांट में डाला है। अब बैक्टीरिया से वो जीन निकाला इसीलिए वो कॉटन के पहले वो वर्ड दिया इट इज बी टी कॉटन। ओके और एग्जांपल क्या है तो जनरली बॉल वर्म शोज द अटैक ऑन द लीफ ऑफ कॉटन प्लांट। तो कॉटन प्लांट होता था पहले, आज भी है, वो कॉटन प्लांट पे बॉल वर्म्स होते अड़ा आस्था अड़ा, उसको बॉल वर्म्स बोला जाता है, वो जनरली उसके लीफ पे अटैक करते थे, उसके लीफ को खा लेते थे। अगर लीफ ही रहेंगे नहीं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं करेगा और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं किया तो जो कॉटन का प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से अफेक्ट होगा। अब इसके लिए ट्रेडिशनल टेक्निक क्या थी तो स्प्रेइंग करो, जैसे कलम में देखा पेस्टिसाइड वगैरह होता है, इंसेक्टिसाइड होता है,
तो इन्सेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड से बॉलवर्म मर जाते थे, लेकिन उसके ड्रॉबैक भी हमने देखे, तो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड लास्ट में जाएंगे कहाँ पर, सॉइल में, एंड इट लीड टू द सॉइल इनफर्टिलिटी। अब ये जो पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम आया था, डिसीज आया था कॉटन प्लांट पे, उसको दूर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल किस तरीके से कॉटन का प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, तो पहले हम ये देख लेंगे। अब जैसे मैंने कहा भाई स्प्रेइंग हम करते थे, तो वो स्प्रे में जो दवाई हम लाते थे मार्केट से, वो कहीं ना कहीं से तो निकली होगी वो स्प्रे, मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिन है जो टॉक्सिन ये बॉल बॉल को मारता है, किल करता है, क्लियर। तो वो जो टॉक्सिन हम टॉक्सिन या फिर वो जो स्प्रे स्प्रेयर हमने बनाया या फिर स्प्रेइंग वाली जो दवाई बनाई, वो कहीं ना कहीं दूसरे लिविंग थिंग से निकाली होंगी। तो पहले वो देखा गया कि भाई ये जो किल करने वाला जो एक्चुअली टॉक्सिन है ये कहाँ मिलता है। फिर हमको पता चला कि भाई ये मिलता है हमारे वो बैसिलस थुरिंजेंसिस नाम का जो बैक्टीरिया है उसके बॉडी में मिलता है। अब उसके बॉडी में मिलता है मतलब उसके बॉडी में ऐसा जीन है जो पर्टिकुलर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, जिसका यूज करके हम बॉल वर्म को मार सकते हैं। फिर हमने क्या किया, तो हमने वो बैक्टीरिया से बैसिलस थुरिंजेंसिस उसके बॉडी से जीन आइसोलेट किया, आइसोलेट करना मतलब निकालना। उसके बाद ये जीन हम डायरेक्टली प्लांट में डाल नहीं सकते, उसके बीच में वेक्टर होता है, और वेक्टर जैसे हमने वैक्सीन के टाइम में लिए थे, मतलब ये वेक्टर ऐसा कोई भी लिविंग थिंग या केमिकल हो सकता है जो ये जीन को वो पर्टिकुलर प्लांट में डालने के लिए मदद करेगा, या ये प्लांट डायरेक्टली वो जीन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो एक्सेप्टेंस के लिए मदद करने वाला होता है वेक्टर, क्लियर। ये हम ले चुके हैं ड्यूरिंग आई थिंक एडिबल वैक्सीन में, ओके। नाउ तो बैक्टीरिया दैट इज बैसिलस थुरिंजेंसिस उसके बॉडी से हमने जीन आइसोलेट किया, फिर वो जीन को मिला वेक्टर के साथ, एंड अलॉन्ग विद दैट वेक्टर एंड जीन इट इज इंट्रोड्यूस इनटू द कॉटन प्लांट और इंटीग्रेट इनटू द कॉटन प्लांट। अब इससे हुआ क्या, तो वो जो जीन था वो जीन ने क्या प्रोड्यूस किया, टॉक्सिन। अब मैंने यहाँ प्रोटॉक्सिन भी लिखा है, तो इसका एक पॉइंट बोल देता हूँ। तो जैसे ही वो जीन इसमें इंट्रोड्यूस हुआ तो वो प्लांट में वो जीन चले गया और प्लांट के लीव में टॉक्सिन बना, लेकिन वो टॉक्सिन बना तो वो प्लांट के लिए भी डेंजरस हो सकता है, इसीलिए फिर वो जीन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया कि भाई तू जो टॉक्सिन बना रहा है वो एक्चुअली प्लांट के लिए टॉक्सिन नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस होने के बाद हुआ क्या, तो वो जो लीफ में कॉटन प्लांट जो लीफ था उसमें जो बना वो प्रोटॉक्सिन था, प्रोटॉक्सिन मतलब वो केमिकल लीफ में प्रोड्यूस हुआ लेकिन वो प्लांट के लिए या प्लांट के लीफ के लिए टॉक्सिक नहीं था। और उसमें हमने प्रोसेस क्या कि तो ये जो टॉक्सिन वहाँ प्रोड्यूस हुआ एक्चुअली प्रोटॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन मतलब वो प्लांट के लिए टॉक्सिन नहीं है। तो प्रोटॉक्सिन जब बेसिक कंडीशन से रिएक्शन करेगा तब वो टॉक्सिन बनेगा, ऐसा उसको मॉडिफाई किया, मतलब डायरेक्टली उसमें टॉक्सिन नहीं बना तो क्या बना, प्रोटॉक्सिन। नाउ लीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉटन प्लांट प्रोड्यूस द प्रोटॉक्सिन विच इज नॉट टॉक्सिक फॉर दैट प्लांट। नाउ व्हेन बॉलवर्म अटैक ऑन द प्लांट, जब बॉलवर्म अटैक करेंगे और जब वो लीफ को कंज्यूम करेंगे तो जाहिर है वो लीफ में जो प्रोटॉक्सिन है इट इज डायरेक्टली रिलीज इनटू द बॉलवर्म्स गट, गट मतलब उसका स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होता है। अब आपको पता है गट या स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक कंडीशन होती है, जैसे ही प्रोटॉक्सिन बॉलवर्म के गट में गया दैट प्रोटॉक्सिन रिएक्ट्स विद द बेसिक और अल्कलाइन कंडीशन इन गट ऑफ दैट बॉलवर्म एंड दैट प्रोटॉक्सिन नाउ बिकम टॉक्सिक, क्योंकि उसकी रिएक्शन हुई अभी किसके साथ, तो पर्टिकुलर वो अल्कली के साथ, तो वो बन गया अभी टॉक्सिक। एंड ड्यू टू टॉक्सिक नेचर इन द गट ऑफ बॉलवर्म देयर इज अ डेथ ऑफ बॉलवर्म इज देयर, मतलब आज आपको बाहर से स्प्रेइंग करने की जरूरत नहीं है, हमने प्लांट को इस तरीके से जीन इंटीग्रेट करके मॉडिफाई किया कि वो प्लांट के लीफ में एक्चुअली वो प्रोटॉक्सिन बन जाता है, और जब बॉलवर्म प्रोटॉक्सिन पे या फिर लीफ पे अटैक करेंगे तो प्रोटॉक्सिन रीच टू द गट ऑफ दैट स्मॉल इंटेस्टाइन गट और स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ दैट बॉलवर्म एंड ड्यू टू पॉइजनस कंडीशन इन एलिमेंट्री कैनल और गट दैट बॉलवर्म शोज द डेथ। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दिया बीटी कॉटन, जैसे मैंने बताया कि ये जो हमने जीन निकाला है ये बैसिलस थुरिंजेंसिस में से, इसलिए कॉटन के लिए लगाया गया बीटी, दैट इज बीटी कॉटन। इसी तरीके से बीटी ब्रिंजल वैरायटी बनाई गई वांगो है ना वैगन, लेकिन ये बनाई गई पेस्ट किलिंग मेथड, अब ये भी एक्चुअली पेस्ट ही है ना, यहाँ पे इंसेक्ट बॉलवर्म मतलब एक टाइप की वर्म होता है, वैसे मैंने कल कहा था पेस्ट मतलब एनी टाइप ऑफ पैथोजन, तो सेम उसी मतलब लिखा हूँ मैंने पेस्ट किलिंग मेथड के लिए, मतलब जब भी ब्रिंजल वैगन के पेड़ पे पेस्ट का अटैक होता था तो उसको मारने के लिए भी वो ब्रिंजल के प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया गया इन द सेम वे
जैसे हमने बीडी क्वार्टर में देखा वैसे जीन बैसिलस में से आइसोलेट किया गया एंड देन अलॉन्ग विद वेक्टर इट इज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिंजल प्लांट सो दैट दैट ब्रिंजल प्लांट शोज द एबिलिटी टू किल द पेस्ट. तो बाहर से हमको पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत वहाँ पे नहीं. तो ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे सेम दिया है. नाउ थर्ड इज अबाउट गोल्डन राइट्स. अब ये तो था डिजीज रेजिस्टेंस एबिलिटी. यहाँ पे एक पॉइंट और भी हम ऐड कर सकते हैं कि भाई टू इम्प्रूव द वेराइटी. कोई पर्टिकुलर वेराइटी है उसको और इम्प्रूव करने के लिए भी जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड का एक्सपेरिमेंट किया जाता है. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज अबाउट गोल्डन राइस. अब गोल्डन राइस मतलब ये कोई सोने के चावल नहीं है लेकिन उसकी वेराइटी को नाम रखा गया. तो इसमें क्या हुआ देखो जनरली जो नॉर्मल राइस प्लांट होता है नॉर्मल गोल्डन राइस नॉर्मल वो जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी को गोल्डन सॉरी नॉर्मल राइस से मिलता है बीटा कैरोटीन दैट इज विटामिन ए. जनरली राइस में होता है विटामिन ए दैट इज बीटा कैरोटीन. लेकिन ये जो नॉर्मल प्लांट था जो वो जब हम कंज्यूम करते थे तो उसमें से एक कुछ नॉर्मल अमाउंट में हमको विटामिन ई या बीटा कैरोटीन मिलता था. फिर हमने क्या किया तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जब हमने बनाया तो उसी राइस प्लांट से एक नई वैरायटी बनी विच एक्चुअली प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ राइस ग्रेन बट दैट राइस कंटेन 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन. मतलब पहले नेचुरल नॉर्मल प्लांट में जितना भी प्रोटीन सॉरी विटामिन ए मिलता था उससे 23 गुना ज़्यादा ये वैरायटी में विटामिन ए पाया जाता है. मतलब जाहिर है वो राइस जब हम खाएंगे तो हमको लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन ए मिलेगा. मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई और इसलिए उसको नाम रखा गया गोल्डन राइस. थोड़ा सा ये गोल्डन कलर में दिखता है वो भी एक रीज़न है उसका. लेकिन गोल्डन वर्ड के वर्ड जो यूज़ किया वो इसलिए कि भाई इसमें पुरानी जो ट्रेडिशनल एक वैरायटी थी उससे कई गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन या विटामिन ए मिलता है. तो हमने फिर से वही किया हमने एक जीन आइसोलेट किए जो जीन में एक एबिलिटी थी कि इट कैन एबल टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन ए दैट इज बीटा कैरोटीन. Now that gene is inserted into rice plant, normal rice plant, so that that rice plant now become genetically modified and form the new variety. And new variety of that rice, that is called as golden rice, has the ability to produce the 23 times more, yes, amount of beta carotene. तो ये इस तरीके से होता है. जो भी हमको desired characteristic चाहिए वो particular characteristic को modify करने के लिए हमको बाहर से gene निकालना पड़ता है. पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि वो जीन पर्टिकुलर कैरेक्टर का कोई और दूसरे कौन से लिविंग थिंग में है और वो निकालने के बाद फिर इसको एक्चुअल जो हमारा मेन प्लांट होता है जिस पर हमको एक्सपेरिमेंट करना है उसमें डाला जाता है. और कई बार ये मतलब कई जनरेशन तक ये देखा जाता है. ऐसा नहीं है आपको एकदम ऊपर ऊपर से दिया है और 3-4 जनरेशन तक देखा जाता है कि वो पर्टिकुलर डिजायर्ड कैरेक्टर उसमें आया है कि नहीं है. और अगर वो आता है तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से वो वैरायटी को नाम दिया जाता है एंड देन इट इज मार्केटेड. तो इस तरीके से ये जो कमर्शियल एप्लीकेशन था इन द क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था इज क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एंड टू एग्जांपल्स आर देयर हियर वन इज द बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल एंड गोल्डन राइस. क्लियर. सो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एज इट इज़ मे बी मैं मैसेज करता हूँ आपको.